बिग बॉस 13 के विनर पर अनुप जलोटा ने कर दिया है बड़ा बयान, कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला को मैं नहीं पहचान पाऊंगा। वह हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। दोस्तों, टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला इस सीजन के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक है और वह इस सीजन के विनर भी रहे हैं। लेकिन सीजन 12 के कंटेस्टेंट रहे अनुप जलोटा का कहना है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला उनके सामने आ जाए तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। वह एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुप जलोटा ने कहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिरकार कौन है। अनुप जलोटा ने कहा है कि मुझे ये तक नहीं पता कि वो कैसा दिखता है और अगर वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगा। मैंने शो बिल्कुल भी नहीं देखा है और सच बात तो ये है कि मैं इसे देखता भी नहीं हूँ। जब मैं घर के भीतर गया था तो वो मेरे लिए 1.5 महीने का पेड हॉलीडे की तरह था। अगर वो दोबारा मुझे भेजते हैं तो मैं जरूर घर में जाना चाहूंगा। दोस्तों, मालूम हो कि सिद्धार्थ शुक्ला ने तमाम चर्चित रियलिटी टीवी शोज में काम किया है। जहां तक अनुप जलोटा की बात की है तो वे बिग बॉस सीजन 12 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक थे। बिग बॉस 12 में कपल्स को लाया गया था और अनुप जलोटा अपने शिष्य जसलीन मथारू के साथ शो में पहुंचे थे। जसलीन और अनुप का रिश्ता लंबे वक्त तक चर्चाओं में रहा था। दोस्तों, यहां तक कि बिग बॉस हाउस के बाहर भी इस खबर से सनसनी मचा दी थी। जसलीन का परिवार इस खुलासे के बाद काफी परेशान हो गया था कि हालांकि जैसे ही अनुप जलोटा और जसलीन घर के बाहर आए, दोनों ने एक दूसरे से पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि दोनों सिर्फ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और जसलीन अनुप जलोटा से संगीत सीखा करती थी। हालांकि जब दोनों घर में रह रहे थे, सलमान खान ने अनुप जलोटा की जमकर खिंचाई भी की थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।